Hello dear students, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, in this video, we will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe. And today's topic is the aristocracy and the new middle class. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup 2 class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, I welcome you back in the next video. And just in this video, we will continue the same chapter. And the topic is, what did liberal nationalism stand for? ठीक कि आपकी जो नेशन लिबरल नेशनलिज्म थी, जो लिबरल कैटेगरी थी, उनकी जो उनके हिसाब से राष्ट्रीयता किस तरह की थी, ठीक है? So ideas of national unity in early 19th century Europe were closely tied to the ideology of liberalism. Starting में जो यूरोप में जो आइडियाज़ थे, जो विचार दिए जाते थे यूनिटी के बारे में, स्टार्टिंग में यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में जो आइडियाज़ दिए जाते थे नेशनलिटी के लिए, देट वर क्लोजली टाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. वो ज़्यादातर एक आइडियोलॉजी यानी कि ऐसे विचार से जुड़े हुए थे जो लिबरलिज्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है? यानी कि उदारवाद, इसको हिंदी में उदारवाद कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, लिबर्टी हो, ठीक है? तो वो आइडियाज़ इनसे जुड़े हुए थे. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर. जो लिबरलिज्म वर्ड है या टर्म है, वो डिराइव हुई है यानी कि निकली है कहाँ से, या नोन है फ्रॉम द लैटिन रूट, लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है ये, ठीक है? ये वर्ड इसकी मीनिंग होती है फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर द लॉ. मिडिल क्लास के हिसाब से जो लिबरलिज्म है यानी कि जो उदारता है, वो क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग है फ्रीडम. मतलब उनके अकॉर्डिंग जो लिबरलिज्म है, उसे फ्रीडम के नाम से जाना जाता है. और फ्रीडम किसके लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, यानी कि किसी भी कोई भी पर्सन जो उस कंट्री में रह रहा है, तो उसके लिए इक्वालिटी ऑल बिफोर द लॉ, कि वो पूरी तरह से फ्री हो और लॉ के सामने यानी कि कानून के आगे सभी कुछ उसके जो वो इक्वालिटी से उसे हैंडल किया जाए या ट्रीट किया जाए. पॉलिटिकली इट एम्फेसिस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. और पॉलिटिकली ये था कि इस पर दबाव दिया गया था, एम्फेसिस किया गया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अवधारणा की गई थी, ठीक है? इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था. एंड कंसेंट मतलब सबकी सलाह से, ठीक है? सबके एग्री होने पर, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ऐसे फॉर्म की जाए या उसमें उसकी जो धारणा हो वो ऐसी हो कि सबकी सहमति से बने. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. यहाँ पर था कि सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब तक कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, उसके बाद जो मेन वर्क था, ठीक है, वो ये था लिबरलिज्म का. लिबरलिज्म उस तक तब तक स्टैंड करता था फॉर द, कि उस टाइम पर सबसे जो मेन पहला जो जो स्टेप था वो ये था कि एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म किया जाए और क्लैरिकल प्रिविलेज यानी कि जो लोगों को विशेषाधिकार मिल रहे थे, ठीक है, यानी कि जो क्लर्जी लोग थे ना, तो उनके जो क्लर्जी थे क्लैरिकल, उनके प्रिविलेजेस को, उनके विशेषाधिकार को जो उन्हें बर्थ से मिले हुए, उन्हें ख़त्म किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करें थ्रू द पार्लियामेंट. और जैसे हमारे आजकल हमारी कंट्री में जो रूल चलता है, मतलब पार्लियामेंट है, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो वही उनका आइडिया था या वो वही चाहते थे. एंड 19th सेंचुरी उनके जो लिबरल्स थे ऑल्सो स्ट्रेस्ड, उन्होंने दबाव डाला था या उन्होंने इस जोर पर बात पर ज़्यादा जोर डाला था कि द इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पूरी तरह से अनिवार्यता पर, उनकी मतलब उनकी जो
पर्सनल राइट है उस पर, उसे भी ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो सभी के लिए यूज़ होनी चाहिए सोसाइटी में। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। अब यहाँ पे कहता है कि जबकि जो इक्वालिटी थी, जो समानता थी सबके, जो लॉ के सामने कानून के समक्ष जो समानता थी, उसमें ये ज़रूरी नहीं था कि वो जो यूनिवर्सल सफरेज है, यानी कि जो यूनिवर्सल रूप से जो मतलब जो वो राइट टू वोट है वो सबको अधिकार मिले। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, आप फिर से अगर आप रिकॉल करेंगे तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी, रेवोल्यूशनरी चल रही थी, तो विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। तो पहली बार में ही क्या था कि जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने क्या किया था, पहला राजनीतिक प्रयोग जो था वो लिबरल्स के द्वारा ही किया गया था। यानी कि जो पहली बार जो पॉलिटिक्स चलाई गई थी वो लिबरल्स के द्वारा ही था, ठीक है। और द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और उस टाइम पर जो राइट करने का अधिकार, सॉरी वोट करने का जो अधिकार था, या फिर लोगों को इलेक्ट करने का, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें इलेक्ट करने का जो राइट था, वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के पास था। यानी कि जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं के पास अधिकार होते थे, होता था। सो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वेमेन वर एक्सक्यूल्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। उस समय पर भी जो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, ऐसे लोग जिन, ऐसे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और वेमेन, सभी को पॉलिटिकल राइट से दूर रखा गया था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल द एडल्ट मेल इन्जॉय सफरेज। मगर एक छोटे से पीरियड के लिए, जब जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था और उनकी गवर्नमेंट आई थी, तब उन्होंने एडल्ट को इस सफरेज को, यानी कि राइट टू वोट को, सभी को इन्जॉय करने दिया था, जिसमें यह हो गया था कि 25 ईयर्स के बाद कोई भी वोट कर सकता है। However, the Napoleonic court went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor. अब क्या था, इसके बाद जैकोबिन्स क्लब की गवर्नमेंट के बाद जब नेपोलियनिक कोर्ट लगा, तो उसमें वापस उनके जो अधिकार थे राइट टू वोट, वो कम कर दिए गए और वापस ले लिए गए और रिड्यूस्ड वेमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। और जो महिलाओं की, जो महिलाओं को पूरी तरह से जो उनकी स्टेटस था, ठीक है, जो उनकी स्टेटस थी, उनकी उपस्थिति थी, उसे बहुत ही छोटा कर दिया गया, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड्स, ठीक है। और मतलब उन्हें राजनीतिक तौर से दूर रखा गया, राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखा गया, और उन्हें पूरी, उनकी अथॉरिटी पूरी तरह से उनके फादर और हस्बैंड को दे दी गई, वुमेन को, वुमेन की, ठीक है। एंड थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और इसीलिए 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो ये लेडीज़ थी, लेडीज़ और जो ऐसे मैन जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे और डिमांड करते रहे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ठीक है। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें, यानी कि मतलब जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो एरियाज थे, तो उनमें अगर हम बात करें तो क्षेत्र के बारे में, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड एंड कैपिटल, ठीक है। तो वो हमेशा लिबरलिज्म जो था वो फ्री स्टूड, वो हमेशा खड़ा था फ्रीडम ऑफ द मार्केट, मार्केट की फ्रीडम के लिए, एंड एबोलिशन, यानी कि वो हटाना चाहते थे द स्टेट इम्पोज्ड, जो स्टेट यानी कि किसी भी राज्य से जो कर लगते थे, टैक्सेस लगते थे या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सामान के और मनी के, द कैपिटल के, पूंजी के एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टैक्स होते थे और जो जो भी रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो लिमिटेशंस होती थी या जो रिस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक टोक लगाई जाती थी, ठीक है, तो उन्हें पूरा हटाना, पूरी तरह से हटाना चाहते थे। वो चाहते थे लिबरलिज्म का मानना था कि लिबरल्स का कि मार्केट है वो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रांग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में दिस वाज अ, इस टाइम पर एक नई बहुत ही मजबूत डिमांड बन गई थी स्पेशली मिडिल क्लास की तरफ से,
कि लेट अस टेक, और इसका हम एग्जांपल भी लेते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स जो थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं उनको, कि जो जर्मन स्पीकिंग के रीजन के लोग थे उन्हें हम एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं. नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स हैड क्रिएटेड आउट countless small principalities, confederation of 39 states. ठीक है, जो नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बहुत सारे ऐसे बहुत स्मॉल छोटे छोटे से जो प्रिंसिपलिटीज़ थी, प्रदेश थे, ठीक है, उन सबको मिलाकर ऐसे ही कुछ 39 स्टेट्स का मिलाकर एक बड़ा कॉन्फेडरेशन बना दिया था, एक बड़ा स्टेट बना दिया था. ईच ऑफ द दीज प्रोसेस पॉजेस्ड इट्स ओन करेंसी, इन सब की अपनी अलग अलग करेंसी थी, और वेट्स और मीजर्स थे, यानी कि यहाँ पर जो वेट करने और मीजर्स मापने के लिए अपने अलग टूल्स हुआ करते थे या साधन हुआ करते थे या तरीके थे. आ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरनबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैड टू पास थ्रू द 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ दैम. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है, 1833 की जब बात है, जब नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि अगर एक मर्चेंट को हैमबर्ग से न्यूरनबर्ग तक अपना कोई सामान बेचने जाना था तो उस रास्ते में लगभग उसको 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना होता था, और हर कस्टम बैरियर पर लगभग 5% उसे अपनी अर्निंग का, मतलब जो अपनी कैपिटल थी उसका उसको पे करना होता था एज अ टैक्स. सो ड्यूटीज़ वर ऑफन लीव्ड लिवाइट अकॉर्डिंग टू द वेट एंड और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. और जो ड्यूटी थी, हाँ, और जो ये ड्यूटीज़ थी, जो कस्टम ड्यूटीज़ में, वहाँ पर क्या होता था कि वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. हर जगह पर उनके गुड्स का वेट और मेज़रमेंट हुआ करता था, एज़ ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स, क्योंकि हर स्टेट में या हर रीजन में हर चीज़ को नापने तोलने का अपना नाप तोल होता था, मतलब अपना वेट अपने अकॉर्डिंग वो उनका जो मेज़रमेंट होता था उसी के अकॉर्डिंग वो नापते थे, एंड दिस और या उसको तोला जाता था, एंड दिस इन्वॉल्व्ड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता था, या इसको हिसाब करने में काफ़ी टाइम लग जाता था. द मेज़र ऑफ द क्लोथ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल लें यहाँ पर मेज़रमेंट का, तो जो क्लोथ को मेज़र करने का जो एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, तो वॉज द एलो, जो कपड़े थे या जो कपड़ा था वो कैसे में नापा जाता था, एले, ठीक है, एले नाम का एक पैमाना होता था या एक स्केल होता था, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, जो हर स्टेट में रीजन में डिफरेंट लेंथ को मतलब लेंथ में नापा जाता था. एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ. अगर मैं एग्जांपल ले तो एले का मतलब जो मेज़रमेंट था वो इस तरह से था कुछ कि टेक्सटाइल मटेरियल बॉट, वहाँ पर जो टेक्सटाइल मटेरियल जो ख़रीदा जाता था, तो फ्रैंकफर्ट में अगर कपड़ा ख़रीदा जाता था फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इन मेन्स, ठीक है, वो मेंस में क्या होता था, वही कपड़ा 55.1 सेंटीमीटर मिलता था. सपोज़ एक कपड़े का टुकड़ा था, ठीक है, और उसे मेज़र किया तो फ्रैंकफर्ट में उसकी जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर थी 54.7, और उसी स्केल से जब दूसरे मेंज में जब उसे नापा गया तो 55.1 सेंटीमीटर, और उसे न्यूरनबर्ग में जब नापा जाएगा तो 65.6 सेंटीमीटर होती थी, एंड इन फ्रेलबर्ग दे वॉज 53.5 सेंटीमीटर. मतलब मेज़रमेंट का जो स्केल था उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे रीज़न के बेस पर, ठीक है, हर रीज़न में अलग अलग नापने का तरीका था या उसके अलग मेज़रमेंट थे, ठीक.